हाय एवरीवन, क्या हालचाल आप सभी का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस की जो 1 तारीख की मीटिंग हुई थी उसके ऊपर, साथ में ही आपके एडमिट कार्ड कब तक आ सकते हैं। तीसरी बात हम करने वाले हैं, क्या आपकी फिजिकल की डेट पोस्टपोन हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस की जो 1 तारीख की मीटिंग हुई थी उसके अंदर क्या बताया गया। तो देखिए, उस वाली मीटिंग के अंदर आपका मेनली जो आपकी डिपार्टमेंटल मीटिंग हुई थी वो, ठीक है। और डिपार्टमेंटल मीटिंग क्या होती है, डिपार्टमेंटल मीटिंग होती है कि जब दो अलग अलग डिपार्टमेंट आपके डिफरेंट अलग अलग एक पर्टिकुलर आपका कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, मीन्स कि आपका एग्जाम लेने का काम है SSC का, आपका जो फिजिकल और मेडिकल है वो कौन लेगा, आपका दिल्ली पुलिस। तो उस समय में जो आपके पास डेटा है कैंडिडेट्स का, वो सब हैंडओवर करना किसको, दूसरे आपके जो आपका फिजिकल लेंगे उस पार्टी को, साथ में डिटेल्स को हैंडओवर करना और कुछ बातों पर रणनीति तय करना कि ये काम आप अब करवाओगे, ये आप हमें फाइनल रिजल्ट सौंपोगे, अब ये एडमिट कार्ड आप जारी करोगे, इन चीजों के ऊपर जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी दिल्ली पुलिस के ऊपर, ठीक है। तो इसमें पब्लिकली ऐसा कुछ भी नहीं था, वो डिपार्टमेंटल मीटिंग थी और उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पब्लिकली आप सभी स्टूडेंट्स को बताया जाए कि इस मीटिंग में क्या रहा था, ठीक है। दूसरी बात हम कर लेते हैं एडमिट कार्ड की। तो देखिए, जो फिजिकल की डेट है वो अभी तक आपकी 27 तारीख तक की, अभी अप्रैल की 27 तारीख ही आपकी मान्य है, अभी तक उसी पे ही बात है और अभी आपके पूरे चांसेस है कि 27 अप्रैल को ही आपका फिजिकल कंडक्ट करवा दिया जाए। तो जो एडमिट कार्ड आपके हैं वो डाउनलोड कब किए जा सकते हैं, कब अवेलेबल हो जाएंगे, तो जो एडमिट कार्ड है वो अप्रोक्सीमेट आपके 9, 10 या 11 तारीख तक आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मोस्टली हम बात करें तो 10 की मॉर्निंग तक आप सबको उम्मीद है कि आपको मिल जाने चाहिए, ठीक है। इसी के साथ ही अभी तक आपने कोई अगर आपको ये बात बताता है कि आपका फिजिकल वगैरह नहीं होगा या डेट आगे आएगी, तो आप उस पर यकीन नहीं कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आप ऑथेंटिक सोर्स पे ही विश्वास कीजिएगा, ठीक है। तो सेम बात यही है कि आपको अब जो भी बात होगी, जो भी कोई नोटिस होगा एक्सटेंड होना है, पोस्टपोन होना है, उसका दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो आपको वहीं से देखकर उसके ऊपर विश्वास करना है, ठीक है। रही बात अब तीसरी हम कर लेते हैं कि आपकी जो एडमिट कार्ड है वो SSC इशू करेगा या दिल्ली पुलिस करेगा। तो जो आपके एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे वो दिल्ली पुलिस आपके इशू करेगा, SSC नहीं करेगा। चौथी बात, क्या आपका जो फिजिकल है वो पोस्टपोन हो सकता है, तो देखिए आपका जो फिजिकल है वो पोस्टपोन होने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि आपका जो फिजिकल होना है वो दिल्ली में होना है और कल एक इमरजेंसी मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने शाम को ये क्लियर कर दिया है, दिल्ली में घातक है, चौथा चरण है, घातक है, बीमारी फैल रही है, मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की संभावना भी नहीं है और हम अभी लॉकडाउन लगाने के समर्थन में भी नहीं है, तो हम दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि दिल्ली में आपका लॉकडाउन नहीं लगेगा, और अगर दिल्ली में लॉकडाउन नहीं है, आपके रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो आपका पेपर कहीं ना कहीं, आपका फिजिकल कहीं ना कहीं कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो आप सभी इस भ्रम में मत रहिए कि आपका पोस्टपोन हो सकता है, डेट एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि अभी तक आगे क्या हो सकता है कल सुबह ही आपका लॉकडाउन लग जाए, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, क्या हो सकता है उसकी बात नहीं है। टिल नाउ अभी तक आपके साथ ऐसी कोई संभावना नहीं है, तो ढीले मत पड़िए, अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखिए, अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करते रहिए, क्योंकि कभी ऐसा ना हो अफवाहों में पढ़कर आपके फिजिकल की डेट आ जाए, एडमिट कार्ड आ जाए और आप अफवाहों के चक्कर में अपनी तैयारी ना कर पाए। तो अपनी तैयारी आपको अच्छे से कर लेनी है, बिल्कुल किसी सोर्स पे भी जो इस तरह की अफवाह फैला रहे ध्यान नहीं देना। नेशनल न्यूज सुनिए, नेशनल न्यूज में अगर आता है कि लॉकडाउन लगने की संभावना है कुछ और कुछ संभावना है आपकी कोरोना की वजह से, तो ही आप इस बात की एक संभावना लगा सकते हो कि आपकी डेट चेंज हो सकती है, लेकिन अभी आपकी डेट चेंज नहीं होगी, 27 अप्रैल को ही मानकर आपको तैयारी करनी है। एक सवाल बच्चे बहुत ज्यादा कमेंट में पूछ रहे हैं, मैं उस पर भी थोड़ी सी लाइट डालना चाहूंगा कि सर, अगर हमारी जो OBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल नया बनवाया है, तो हमें क्या जाते के साथ जर्नल में फेंक दिया जाएगा या हमें प्रोविजनल में डाला जाएगा? तो देखिए, अभी इस बारे में दिल्ली पुलिस ने कुछ खुल के नहीं कहा है, लेकिन जहां तक सोर्सेज की बात माने,
दिल्ली पुलिस खुल के अगर ये बात नहीं बोल रही है तो इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं प्रोविजनल मिल जाएगा। सबसे पहले आपको प्रोविजनल में डाला जाएगा और प्रोविजनल में डालने के बाद अगर आप उस चीज को वेरीफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको जर्नल में डाला जाएगा, जाते के साथ आपको जर्नल में धक्का नहीं दे दिया जाएगा। तो दोस्तों यही आज की वीडियो को बनाने का मेन मकसद था, आपको कुछ जानकारियां देनी थी। होप सो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि मीटिंग का, एडमिट कार्ड का पोस्टपोन होने का और AWS OBC से रिलेटेड। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, आज के लिए वीडियो में इतना ही। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।